एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। वेलकम टू पोलो फॉरेस्ट। जी हाँ, हम लोग पोलो फॉरेस्ट जा रहे हैं और ये सुबह का समय है। हम लोगों को 6:30 बजे निकलना था लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने इस सफ़र को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए और आप भी इस जर्नी का आनंद उठाइए। पोलो फॉरेस्ट को विजयनगर फॉरेस्ट भी कहा जाता है और अहमदाबाद से ये 160 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। और आज जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इतना मज़ा आ रहा है वापस से उन पलों को जी कर देख कर, तो आपको भी मज़ा आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो बीच में कोई अच्छी चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और पियेंगे अच्छी वाली चाय ताकि थोड़ी एनर्जी आए और हम लोग घूम पाएँ। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ बहुत शांति है। बहुत थोड़ा सा यहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी बाद में शूट करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, बहुत भूख लगी थी सबको क्योंकि पहुँचने में 11:30 बज गए थे और सब जो है हाथ मुंह धोकर सीधे बैठ गए खाने के लिए, कोई भी अपनी टेंट की तरफ नहीं गया। और यहाँ पर जो नाश्ते में चीज़ें थी खाने के लिए वो पोहे थे, मेथी का थेपला था, आलू के पराठे, दही और चाय। तो हम सब ने खूब मज़े से खाया और बैठकर हम लोग बातें भी कर रहे थे कि आगे क्या प्लान है, क्या करना है, कहाँ जाना है, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप सबको भी जब भी मौका मिले यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ आकर इस खूबसूरत जगह को ज़रूर देखें। टेंट दिखाते हैं और देखते हैं कि कैसा है। और ये देखिए, ये है हमारा टेंट और ये इसमें देखिए हमारे टेंट का नाम है पोलो टेंपल। अब चक्कर लगा रही हूँ वहाँ आके, अब चुप हो गई। तो देख तो यहाँ पर जो है प्रकृति अपनी कहानी खुद कह रही है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे और यहाँ पर म्यूज़िक लगा देंगे। आप सब एंजॉय कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।
तो यहाँ पर सब लोग जो है फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थे, सबको जो है बहुत मज़ा आ रहा था, तो सब अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचा रहे थे और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे और ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहो, प्रकृति की गोद में बैठे रहो और सब चीज़ों को देखते रहो बस। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम फीलिंग पीसफुल हियर। हाँ, रिलैक्स्ड। हाँ, रिलैक्स्ड, पीसफुल, पीसफुल जगह है ये। हाँ, शहर की दौड़ भाग और शोरगुल से दूर। हाँ, शांति भरा माहौल है यहाँ पर जो है। अच्छा। है। और प्रकृति के जितने सानिध्य में आप रहेंगे, अच्छा, उतना आपके लिए अच्छा रहता है। देखो मम्मी, मुझे प्लेग्राउंड में डक पॉन्ड दिखा। डक पॉन्ड है? चल स्लाइड स्लाइड, चल स्लाइड। रुको दोनों, रुको दोनों भाई, रुक जाओ। अपने टेंट में हैं, थोड़ा आराम करेंगे। आराम क्या, बस थोड़ा सा मुँह हाथ धोकर और इसके बाद लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और लंच करने के बाद फिर से हम लोग घूमने जाएंगे और खूब थकने वाले हैं, बहुत धूप भी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने लगभग 1:30-2 बजे के करीब लंच किया था और लंच के बाद यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, शिव मंदिर है एक, तो वहाँ रिज़ॉर्ट में जहाँ हम लोग रुके थे उन्होंने गाइड दिया था एक, वो हमारे साथ गए थे, उन्होंने पूरा घुमाया और ये उन्होंने बताया कि ये 500 साल पुराना मंदिर है और देखने में काफ़ी पुराना लग भी रहा था, तो आप सब भी देखिए। शिव मंदिर घूमने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और ये देखिए, और यहाँ जो ये थोड़ा सा पानी दिख रहा है हम लोग इसी को खूब इसी में खूब एंजॉय कर रहे थे। जब बरसात का सीज़न होता है तब यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है और लोग बता रहे थे कि यहाँ बारिश के सीज़न में बहुत अच्छा लगता है और वाटरफॉल है और सब चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो इतने ही पानी में संतोष करके मज़े कर रहे थे। और यहाँ ये हमारी स्लोमो मस्ती, आप लोग देखिए और मज़े उठाइए। ये वीडियो स्लोमो में हम लोग बना रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे सीरियसली।
हाँ जटाशंकर जैसा ही लग रहा है बाबू है ये चलेगा क्या खाएगा क्या पिएगा थक चुके हैं हम लोग क्या कह रहा है चलो वापस चलो चलो वापस चलो इतना आके अब वापस नहीं जाना है पापा के पीछे ही चल रहा है ओहो वेट लॉस होगा आपका भी वेट लॉस होगा वेट लॉस होगा भाभी तो पकौड़े के सपने देख रही है और यहाँ हम लोग जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे और सबकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि रास्ता बहुत चढ़ाई वाला था और यहाँ पर गाइड जो है बता रहे थे कि आगे जो है वो गुप्त गंगा दिखाने वाले थे वहाँ पे जो पानी कभी सूखता नहीं है पूरे वर्ष ऐसे ही बना रहता है वो ये है यहीं से बता रहे थे कि पानी की धारा जो है निकलती है और कभी सूखती नहीं है तो इसे देखा हमने और ये आ गए हम लोग ये एक डैम है पोलो डैम करके यहाँ पर आ गए और शाम हो चुकी है और हम लोगों की हालत भी ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये जो रास्ता था बहुत ही चढ़ाई वाला था और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं लेकिन यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है और अब हम लोग लौट कर आए हैं घूम कर और बच चुके हैं 7 और अब हम लोग जा रहे हैं चाय और नाश्ता करने इतना लेट हो चुका है काफी थक चुके हैं तो मिलते हैं बाद में तो आई होप कि आपने यहाँ तक का वीडियो एंजॉय किया होगा और हम लोग रेडी हो चुके हैं अब चाय नाश्ता करने जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए भी रेडी हुए हैं और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद डिनर वगैरह होगा बोनफायर होगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो हो चुका है काफी लंबा तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं हमारे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत कुछ और भी बाकी है थैंक यू सो मच बाय